देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। यहाँ जो विवादित जमीन का चल रहा है मामला, जो कि शिया समुदाय से है और कुछ लोग हैं जिस गांव के जो इस पर आपत्ति जताए हुए हैं। आइए पूछते हैं हसनपुर वालों से क्या दिक्कत है उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मामला ये है कि यहाँ पे कई सौ साल से यहाँ समाज धार्मिक जुलूस उठता है, कोई सताजक भी जुलूस उठता है, तो इस पे जो है ये ज़मीन पे जो है हमारी तरफ से जो है कोई वो नहीं, दूसरे विभागीय लोग जो है इस पर विवाद कर रहे हैं और हमारे राजा साहब का भी जो है फुटवाल लेके गए हैं और इसकी जो है जहाँ तक जो हमारी बात पहुँच रही है वहाँ लोगों से जितने शिया हजरात हैं, जो इंसानियत के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो रसूल अल्लाह के चाहने वाले, क्योंकि कदम रसूल है। आइए देखते हैं और कौन है आपको बताना चाहेंगे। ये 200 साल का कदम रसूल है, ये कानून गो लेखपाल हैं, कानून गो लेखपाल रहे शमीम लेखपाल, इसको जो है नंबर भरा लिए हैं। 200 साल का जुलूस यहाँ छूटता है, बराबर सब बराबर यहाँ लोग सब शामिल होते हैं, हिंदू मुसलमान सिया सुन्नी जितने हैं सब शामिल होते हैं, सब मिलकर ये जुलूस उठाते हैं 200 साल से। ये धार्मिक स्थल ये नंबर भरा लिए हैं, कानून को लेखपाल थे उससे जो है अपना नंबर बता रहे हैं, अरे कुछ नहीं है। ये गांव वालों का कहना है कि यहाँ मेरी ज़मीन है और ये शमीम खान जो है ज़बरदस्ती कब्जा करके दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं नंबर जो भरा है उसको बताओ। दो नंबर क्या कहना चाहेंगे आप इस जमीन के मामले में? जमीन हमारे बचपन से यहाँ जुलूस उठ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। इससे पहले भी उठता था, हमारे बाप दादा बताते थे, हमारे नाना थे वो बता रहे थे। उनका कहना ये था कि हमारे बचपन से यहीं से उठ रहा है जुलूस 11 का, और ये क्या कहते हैं बकरीद की 29 तारीख को उठता है और 50 एक जुलूस यहीं से उठ के जाता है। हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो ये हैं हसन के निवासी जो इस तरह से बता रहे हैं कि हसन में ऐसा कोई उनका कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती सिर्फ कब्जा कर रहे हैं और धार्मिक स्थल है ये शियों का।